दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट स्टाइलिंग वीडियो में। दिल्ली में जो 10 से 15,000 में लाइव क्लास है और ये वो सभी वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो उन वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब स्टाइलिंग। तो हम सबसे पहले सेक्शनिंग देख लेते हैं। एक पीछे मैंने मीडियम पोनी बना रखी है, ऊपर मैंने सी सेक्शन डिवाइड किया हुआ है, फ्रंट वेरिएशन के लिए मैंने ए टू ए सेक्शन डिवाइड किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले सी सेक्शन पे वर्क करना है, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, इस तरह से बैक कॉम करना है, रूट एरिया पे पीछे पीछे स्प्रे करके पीछे डाल देना है। सेम वे आगे चलेंगे, एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, बैक कॉम किया, रूट एरिया पे स्प्रे किया और पीछे डाल दिया। फिर इस साइड पे जाएंगे, एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन, बैक कॉम, स्प्रे और पीछे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं बैक कॉम बहुत कम होता जा रहा है, स्प्रे करना है और पीछे डाल देना है। इसके बाद में आपको कोई स्प्रे नहीं करना, सबसे पहले आप नीट करोगे। क्या गलती करते हो आप, कोई गलती नहीं करनी है आपको, स्प्रे पहले नहीं करना, सबसे पहले क्लीन करना है, स्मूथ करना है, उसके बाद में आप स्प्रे करोगे। इस तरह से क्लीन करने के लिए जो भी फ्लाई फ्रीज हेयर आ रहा है उसको सेटल करना है इस तरह से। और एक साइड पे पोनी के एट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको लॉक करना है पोनी टेल के नीचे। इस तरह से दोनों साइड यूपिन लगा देनी है और नीचे इस तरह से लॉक कर देंगे। दो यूपिन से आप इसको लॉक करोगे पोनी टेल के नीचे एक साइड में। फिर हम आ जाएंगे फ्रंट वेरिएशन के लिए। सबसे पहले आपको फ्रंट में एक इस तरह से डायगनल सेक्शन लेना है, पार्टिंग करनी है हाफ ऑफ द आईब्रो से। ये सारा सेक्शन आपका पीछे जाएगा, कॉम के कॉम करना है, विदाउट बैक कॉम पीछे करना है। स्प्रे किया, पफ से आपको मर्ज होता हुआ होना चाहिए, ये सेक्शन लगना चाहिए कि मर्जिंग लुक है एक थोड़ा सा। तो इस जो एरिया है पूरा हेयर एक साइड आके पोनी टेल के लेफ्ट साइड में जाएगा इस तरह से। सबसे पहले इसको थोड़ा सा कॉम करेंगे हम, यूपिन लगाए, स्प्रे किया, कॉम करना, जो थोड़ा सा सेक्शन मेरा जो उठ रहा था उसको कॉम करेंगे और एक साइड पे जो है इसको लॉक करना है इस तरह से। पोनी टेल के लेफ्ट साइड पे हम लॉक कर रहे हैं सेक्शन, स्प्रे किया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये डोनट लगाना है। आपको जितना भी बड़ा साइज़ चाहिए होगा बन का, उस हिसाब से आप डोनट लगाओगे। तो मैं, मेरे को इतना साइज़ चाहिए, मैं इस हिसाब से डोनट लगा रहा हूँ। साइड कॉर्नर्स पे डोनट के लॉक कर देना है, जो मेरे जो आगे के पफ के हेयर थे और आगे के हेयर थे बस उसको ही मैंने डोनट को डाला है। इस तरह से बैक कॉम कर लेंगे उन सारे हेयर को। और यहीं कहीं जो है हमारा खाली पार्ट था वहाँ पर मैंने बैक कॉम करके इसको लॉक कर देना है इस तरह से, ताकि वहाँ पर जो डोनट का जो होल होता है वहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है। तो हमें बिल्कुल इक्वल चाहिए, शिनियन बनाना है, सी टाइप का हमें थोड़ा सा शेप बनाना है बन का। तो हम जो सबसे पहले जो एक कलर है डोनट का उसको मर्ज करेंगे हेयर के कलर के साथ में, तो बैक कॉम करेंगे इस तरह से नीचे साइड से। फिर हम ऊपर साइड से जो है बैक कॉम करेंगे इस तरह से, इस पर स्प्रे करना है आपको और इसको इस तरह से स्प्रेड करना है ताकि जो है नेट का हम, नेट की तरह हम इसको यूज़ कर पाएँ हेयर को ही। तो इसका और इसका कलर आपका सेम हो जाएगा। तो इसको नीट करेंगे हम इस तरह से, जो भी फ्लाई फ्रीजी हेयर है आप स्प्रे करके इस पर सेटल करोगे। और इसको लॉक करना है यूपिन से, नीचे की साइड यूपिन लगानी है इस तरह से। एक यूपिन लगाई मैंने इस साइड, अब दूसरी साइड से मैं लगाऊंगा यूपिन। तो हमारा बैक कॉम होके हेयर कम हो जाता है तो यूपिन से अच्छे से लॉक हो जाएगा। यूपिन आपको जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही सेम तरह से लगानी है, तभी ये अच्छे से लॉक हो पाएगा बेस आपका, बेस को कवर करने के लिए जो आपने नेट बनाया है। इसको बैक कॉम कर देंगे, जो लास्ट के एंड हेयर बचे हैं अच्छे से इसको बैक कॉम किया, उसको अंदर ही एडजस्ट कर देना है बन के साथ में और एक यूपिन लगा देनी है इसके साथ में। तो स्प्रे कर देंगे इस तरह से, स्प्रे कर दिया। और जहाँ से भी लगता है आपको ये कि दब रहा है, बड़ा है, छोटा, कहीं से उठा हुआ कम है, तो वहाँ से आप उठा सकते हो, वैसे हमारा ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम तो कॉम किया, मैं पोनी टेल के सेक्शन पे फिर से आ गया, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, उसके अंदर में से कॉम किया सेक्शन को, सिर्फ रूट एरिया में हम बैक कॉम करेंगे इस तरह से। और फिर मैं नीचे नीचे जाऊँगा, लेंथ पर भी जाऊँगा बैक कॉम करते हुए, ताकि जो है हमारा जो सेक्शन जब हम इसको फैलाएंगे, इसको कवर करेंगे, नीट करेंगे, तो डिस्कनेक्ट ना हो, ज़्यादा आपका ये जो है कवर कर पाए बन को। तो इस तरह से मैं स्प्रे करूँगा, ऊपर डायरेक्शन से आपको स्प्रे करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो स्प्रे कर रहे हो कि ऊपर साइड से स्प्रे करना, ताकि जो सारे हेयर है फ्लैट नीचे की साइड से हो जाए। पूरे बन पे इक्वली आप स्प्रेड करोगे हेयर को और छोड़ दोगे बिगर लॉक की। एक और स्लाइस लोगे आप पोनी टेल में से इस तरह से, छोटे छोटे स्लाइस पे आपको वर्क करना है, बैक कॉम करना है, रूट एरिया पे स्प्रे करना है, कॉम करना है, जहाँ से बैक कॉम किया वहाँ से होल्ड किया और इस तरह से नीट करना है उस हेयर को, इक्वली स्प्रेड करना है बन के ऊपर में। स्प्रे करेंगे ऊपर, बस आपको ये ध्यान रखना है जब आप स्प्रे कर रहे हो तो अपसाइड से स्प्रे करना है, ताकि सारे हेयर डाउन के साइड पे बैठ जाए। एक और सेक्शन लेंगे, स्लाइस लेंगे छोटा,
अब आपको कम बैक कॉम करते चले जाना है। सबसे पहले हमने ज़्यादा किया था, अब हम बहुत कम कर रहे हैं और हम इससे अगले वाले सेक्शन में बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को जो वॉल्यूम चाहिए था, डिज़ायर वॉल्यूम चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। तो विगर बैक कॉम किए, मैंने स्प्रेड कर दिया हेयर को, इक्वली स्प्रेड कर दिया, मैं इस पर कॉम करूँगा। अब आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो हेयर बिल्कुल नीट होना चाहिए आपका, इसको बिल्कुल क्लीन करना है, क्लीन लुक आना चाहिए बन में, तो इसको अच्छे से आपको क्लीन करना है, स्प्रे करना है। ये मैं जो है यूपिन लगा रहा हूँ ताकि जो मेरा हेयर है स्लिप ना करे इधर उधर। सबसे पहले आप इसको लॉक कैसे करना है, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से लॉक करोगे, इतना सेक्शन को आप होल्ड करोगे, स्प्रे करोगे और यूपिन से लॉक कर देना है। जो आपका लेफ्ट साइड का हेयर है राइट साइड की डायरेक्शन में जाते हुए लॉक होगा बन के नीचे। जैसे मैंने थोड़ा सा हेयर पकड़ा, फिर से स्प्रे किया और यूपिन लगा दी, इस तरह से डायगनली यूपिन लगानी। यूपिन का डायरेक्शन भी जो है राइट साइड की साइड में जाता हुआ रहेगा लेफ्ट साइड के सेक्शन को, जो आप लॉक करोगे। आप फिर से सेक्शन लेना, अभी आप क्या करोगे, जो आपने लेफ्ट साइड के सेक्शन लॉक किए हैं, पहले आप उसको सेक्शन को जो लॉन्ग हेयर बचे हैं उसके बाकी उसको बैक कॉम करके एडजस्ट करोगे बेस के अंदर ही, नहीं तो बाद में वो दिक्कत करेंगे। पहले आप उसको एडजस्ट कर दोगे इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक यूपिन से लॉक कर दो, एक और यूपिन लगाएंगे अभी हम इसमें, क्योंकि अच्छे से लॉक नहीं हुआ है। इस तरह से एक और यूपिन लगाई, अच्छे से लॉक हो गया हमारा, स्प्रे कर देंगे अच्छे से। अब क्या जो क्या है, राइट वाले सेक्शन को अच्छे से और सही से फैला देंगे, जो भी बैक कॉम है वो दिखना नहीं चाहिए। स्प्रे किया अच्छे से और यहाँ से भी छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको स्प्रे करना है। यूपिन जो है आपकी लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में रहेगी, जाती हुई रहेगी इस तरह से। सेम एक और सेक्शन लिया, नीचे होल्ड किया, स्प्रे किया और यूपिन से इसको लॉक करना है। यूपिन से मैं इसलिए लॉक कर रहा हूँ क्योंकि डेंसिटी कम है, कम हेयर है, इस तरह से यूपिन से लॉक करना है। एक और सेक्शन, बाकी जो सेक्शन रह गए हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर, इसको बैक कॉम करेंगे अच्छे से और बेस के अंदर ही इसको एडजस्ट करेंगे और एक यूपिन से हम इसको लॉक कर देंगे ताकि ये बाहर ना आए वापस। तो एक यूपिन से इसको लॉक करते पहले एडजस्ट कर देंगे बेस के अंदर ही और इस तरह से जिगजैग करके जिगजैग वे में यूपिन से लॉक कर देंगे अच्छे से ताकि ये बाहर ना आए। तो बन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे लेफ्ट वाले सेक्शन पे, जैसे हमने राइट साइड किया था सेम वे में हम लेफ्ट साइड करेंगे। पहले कॉम करना है, इस वे में कॉम करेंगे, स्प्रे करेंगे, नीट करेंगे, इसको अच्छे से नीट करना है, मर्ज करना है पफ के साथ में, लो पफ के साथ में एक यूपिन लगानी है ताकि हम दोनों हैंड से वर्क कर पाए, हमारा सेक्शन जो है नीचे की साइड ना फिसल के गिर जाए। स्प्रे किया, नीट किया अच्छे से, कोई भी एक भी हेयर आपका इधर उधर नहीं हिलना चाहिए, इसको बिल्कुल नीट रखना है आपको और मर्ज देना है, मर्ज लुक देना है आपके पफ के साथ में। तो बाकी सारे हेयर को मैं इस साइड ले आया, यूपिन लगाऊंगा इस तरह से और इस हेयर को मैं कॉम करके यहीं के यहीं रेस्ट छोड़ दूंगा और एक यूपिन से इसको छोड़ दूंगा ताकि मैं जब आगे हेयर पे वर्क करूं तो ये ऐसे के ऐसे ही टेम्परेली होल्ड रहे। ठीक है, अब जो आगे के हेयर को फॉल करते हुए लेयरिंग देते हुए, लेयरिंग वाली फ्लिक देते हुए पीछे लेके आना है उस सेक्शन के ऊपर। तो एक सेक्शन लेना है इस तरह से, स्प्रे करना है रूट एरिया पे, इसको अच्छे से कॉम करेंगे, फिर से स्प्रे किया, आपको ड्राई होने देना है और इस तरह से एक यूपिन लगानी है डायगनली ताकि ये उठा रहे सेक्शन। बैक कॉम नहीं करना है इसके अंदर, आप लोग क्या गलती करते हो, बैक कॉम करते हो, उसको धीरे धीरे आगे की साइड लेके आना है जहाँ तक आपकी हेयर लाइन है, हेयर लाइन को कवर करना है, स्प्रे करना है, नीट करना है, हेयर लाइन को कवर करके थोड़ा सा आगे निकालना है हेयर नाइल से और इस तरह से यूपिन लगा देनी है ताकि ये जो सेक्शन उठ रहा था वो बैठ जाए, अपने शेप में आ जाए, एक पैटर्न बन जाए, लेयर्स बन जाए, फॉलिंग वाली फ्लिक्स बन जाए आपकी। इस तरह से आपको जो है यूपिन लाइन से लगा देनी है, एक पीछे की साइड से यूपिन लगा देनी है ताकि आपकी हेयर फ्री हो जाए हैंड सॉरी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंड पे, नेक्स्ट सेक्शन पे, एक और सेक्शन सेम वे में लेंगे, डायगनल सेक्शन लेंगे, डायगनल बैक सेक्शनिंग हो रही है हमारी। रूट एरिया पे सबसे पहले आपको स्प्रे करना है ताकि रूट से आपका ये जो सेक्शन है उठ के आएगा। कॉम किया मैंने अच्छे से, कॉम किया, इस तरह से होल्ड करना है। सबसे पहले हम पहले वाले सेक्शन की यूपिन हटा लेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया मैंने स्प्रेड करते हुए। सेम वे में जो है इस तरह से डायगनली यूपिन लगाएंगे, स्प्रे करना है, के बाद में इस तरह से आगे की साइड स्प्रेड करते हुए लेके आना है, फिर से स्प्रे करेंगे। स्प्रे का इसमें स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करना है 6 नंबर, बाकी सारे इस तरह से पीछे रख के आगे की साइड फॉल करवाना है। जब हम आगे की साइड तक फॉल करा देंगे, पीछे वाले सेक्शन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, स्प्रे करेंगे, जो भी ब्रेकेज हेयर निकल रहे हैं उसको क्लीन करते हैं, पीछे एक यूपिन लगा देंगे पहले, फिर जो भी ब्रेकेज हेयर निकल रहे हैं पहले सबसे पहले इसको बैठाते हैं, दो थोड़ा आगे करके इसको सेट करना है अच्छे से, यूपिन लगा देनी है इस तरह से ऊपर तक, स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक जाएंगे ताकि कोई सेक्शन आपका उठे ना। अब जो है ब्रेकेज हेयर आपके निकलते हैं, कोई इसे दिख रहा है आपको, तो उसको क्लीन करेंगे स्प्रे के साथ में। स्प्रे आपको 6 नंबर का होल्ड करना है और अगले सेक्शन को डालने से पहले सारी यूपिन्स निकाल लेनी है इस वाले सेक्शन पे जो लगाई थी। एक और सेक्शन लिया रूट एरिया पे, स्प्रे किया, सेम आगे की साइड स्ट्रेच किया हेयर को, एक यूपिन लगा दी ताकि
उठ के आए सेक्शन, स्प्रे किया, नीट करना है, हैंड से कॉम करना है। इसी सेक्शन को आप इस तरह से होल्ड करके रखोगे, पीछे लेके आओगे, धीरे धीरे आपको पीछे लेके आना है। एक और यूपिन लगाई, अगर आपका सेक्शन आप पिछले वाले सेक्शन से आगे जा रहा है तो उसको पीछे ही रखना है। आगे की साइड इस तरह से स्प्रेड किया, हल्का 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 स्प्रेड करना है, स्प्रे करना है उसको। और ये जो पहला वाला सेक्शन है उससे थोड़ा सा ऊपर स्टेप, जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं ना, पहले नीचे होती है फिर ऊपर ऊपर ऊपर, इसी तरह से आपको ये फॉलिंग फ्लिस्क बनानी होती है। बस इसका आपको ध्यान रखना है, सेक्शनिंग आपकी सेम रहेगी, कोई भी ब्लेकेज फ्लाई हेयर निकलते हैं तो उसको स्प्रे से फिक्स न करना है। स्प्रे आपको 6 नंबर होल्ड चाहिए होगा टाफ्ट का। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, एक और सेक्शन, ये हमारा फोर्थ सेक्शन है। कॉम करा सेम वे में, सारी पिछले वाले सेक्शन की यूपिन हटा ली मैंने। होल्ड इस तरह से करना है, 2 फिंगर्स के बीच में एक यूपिन इस तरह से लगानी है, स्प्रे करेंगे इसके अंदर में ताकि इसी शेप में लॉक रहे। सारी यूपिन हटाएंगे, फिर से स्प्रे किया, फिर पीछे आ जाएंगे होल्ड करते हुए, धीरे धीरे आगे की साइड स्प्रेड करेंगे। इससे क्या हो रहा है, आगे से ऊपर से हाइट बनी रह रही है, नीचे की साइड फॉल आ रहा है, तो इसको हम फॉलिंग फ्लिक्स कहते हैं। पीछे मैंने एक यूपिन लगाई, थोड़ा सा ऊपर की साइड होल्ड करके लॉक करेंगे इसको, मतलब जो पहले वाला मैंने सेक्शन लॉक किया था उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, उसी में ही करोगे तो आपकी जो लेयर है अलग अलग नहीं दिखेंगी। इसमें जो है मैं 5 लेयर बना रहा हूँ, आपको 5 से 6 लेयर बनाने इंपॉर्टेंट है इसका, जब भी लुक आएगा। तो ये हमारी 5th लेयर है, सेम वे में मैंने होल्ड किया, स्प्रे किया, नीट करना है इसको, अच्छे से नीट करोगे, एक यूपिन लगाओगे। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सबसे पहले लेयर मेरी आगे है, बाकी सारी पीछे पीछे जाती जा रही है, अगर आप आगे से देखोगे भी तो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सारी लेयर जो आपकी पहली आगे रहे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये वाली जो लेयर है इसको भी मैम बाकी लेयर से थोड़ा सा ऊपर करके ही लॉक करेंगे, होल्ड करेंगे। मतलब अभी मैंने किसी को भी लॉक नहीं किया है, सिर्फ होल्ड कर रहा हूँ यूपिन से, बाद में इसको लॉक करूँगा सबको साथ में, नीट करूँगा जो भी ब्रेकेज हेयर आ रहे हैं, फ्लाई हेयर आ रहे हैं, कहीं से बैठ जाता है लेयर्स आपका तो उसको भी उठा देना है। तो इस तरह से मैंने सारे हेयर को टेम्परेरी लॉक, मतलब होल्ड कर दिया यूपिन से। अभी आपको क्या करना है, पीछे हेयर से कॉम करना है, शाइन स्प्रे यूज़ करोगे, उठाओगे इसको अच्छे से स्प्रे करोगे, मतलब सारे जो हेयर है पीछे तक आपका जो है एस पैटर्न बनाना है। पीछे से मैं जो है ट्विस्ट करके हल्का सा पहले शाइन स्प्रे कर रहा हूँ, कॉम कर लूँ ताकि आसानी से कॉम हो जाए, ट्विस्ट करके थोड़ा सा ऊपर की साइड मैंने स्ट्रेच किया, स्प्रे किया, और ये थोड़ा सा एस पैटर्न बनाना है आपको। इस बात का ध्यान रखना है, पहले जा रहा है ऊपर की साइड आगे से, फिर नीचे की साइड, फिर ऊपर की साइड जाएगा, तो ये आपको एस पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये स्टैंडिंग हमारी लेयर्स हो जाएंगी, फिर पीछे की साइड से भी अच्छी लगेंगी, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपका हेयर स्टाइल। स्प्रे करना है, यूपिन लगानी है आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं यूपिन लगा रहा हूँ उसी तरह से आप यूपिन लगाओगे तो ये जो आपका लेयर्स है ये आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जब आप इसको कॉम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल जेंटली कॉम करना है, आगे से जो आपने बनाया है वो ख़राब ना हो जाए। इस तरह से आपको कॉम नहीं करना है, हार्श कॉम नहीं करना है, यूपिन लगानी है साथ साथ में आपको, ताकि जो एक लेयर है दूसरी लेयर से वो अलग रहे, डिस्कनेक्ट रहे। कनेक्ट हो जाएगी तो उसके अंदर सेपरेशन नहीं आएगा, वो कनेक्ट लगेगा, उसमें इतनी एनहांस नहीं हो पाएंगी आपकी लेयर जो आपने बनाई है। तो हमारी सारी लेयर जो बन गई हैं, शाइन स्प्रे एक बार अप्लाई किया, फिर से मैं जो है एक बार इसको नीट कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे को लॉक करना है। हल्का सा नीट किया, सबको एक साथ लेंगे, एक साथ करके यूपिन लगा देंगे। तो आप इसको ध्यान से देखना, इसको लॉक कैसे करना है। यूपिन इस तरह से एक यूपिन लगाएंगे होल्डिंग के लिए, थोड़ा सा नीट करेंगे टेलकॉम के टेल से, और एक यूपिन से इस तरह से लॉक किया थोड़े सेक्शन, एक और यूपिन लेंगे, जो बाकी के रेस्ट ऑफ द सेक्शन रह गया उसको इस तरह से लॉक कर दिया। आगे की जो सारी लेयर्स है 2 यूपिन से लॉक हो जाएगी। अब जो ये जो सेक्शन रह गया था लेफ्ट साइड का, यहाँ पर हम बॉब पिन लगाएंगे, इस तरह से होल्ड किया मैंने इसको, तो इस तरह से होल्ड करके पकड़ना है। थोड़ा ऊपर की साइड आपको बॉब पिन लगानी है, छोटी बॉब पिन लगानी है इस तरह से, ताकि हम इससे नॉट बना सकें। अभी हम इससे नॉट बनाएंगे, बॉब पिन लगा ली, स्प्रे कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, बेन पे ही लगा देना है आपको ऊपर की साइड ही। इस तरह से एक सेक्शन क्लिप लगाई और स्प्रे करना है, कॉम करना है हेयर को, अच्छे से कॉम करेंगे, स्प्रे करेंगे, कोई भी फ्लाई फ्रेज हेयर नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा फ्लैट करना है इस हेयर को, सेक्शन क्लिप रिमूव कर लेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे, स्प्रे करेंगे अगर कोई फ्लाई फ्रेज हेयर निकलता है। इस तरह से टर्न किया, ट्विस्ट करके एक यूपिन के साथ में इंसर्ट कर देंगे और लॉक कर देंगे। ये सेक्शन हमारा लॉक हो गया इस तरह से, और बाकी जब आगे वाले सेक्शन भी बच गए हमारे पास और जो मैंने नॉट बनाया था वो बच गए, उस सेक्शन को आपको 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है। इस तरह से सेपरेट कर लेंगे सबसे पहले, और दोबारा से हमें एस पैटर्न का थोड़ा सा क्रिएट करना है। सबसे पहले ऊपर से फॉल किया इस तरह से, फिर थोड़ा सा कर्व दिया,
डाउन साइड पे थोड़ा एज बनाना है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, अगर आप चाहते हो तो बना सकते हो। वैसे इस तरह से बनाओगे तो थोड़ा जो आगे के साइड और पीछे के साइड हेयर के थोड़ा मैच करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से भी बना सकते हो, थोड़ा सा एस पैटर्न आप इसमें भी क्रिएट कर दो, मतलब एस लाइन में इस तरह से लॉक किया मैंने, पिंस लगाते चले जाएंगे। इक्वल डिस्टेंस में आपको इसको भी रखना है, सारे सेक्शन को पहले मैं नीचे तक ले जा रहा हूँ और उसके बाद एक ही साथ सबको लॉक करूँगा नीचे की साइड। ये मेरा लास्ट सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन, थोड़ा सा नीट करते हैं इसको। कोई सेक्शन जो है ऊपर नीचे हो रहा है, कम उठ रहा है या कम ज़्यादा उठ रहा है, उसको एक जैसा करेंगे यूपिन की हेल्प से। तो सारे मेरे जो है फोर के फोर स्टैंड बन चुके हैं। अब इसको लॉक करना है हमें नीचे की साइड में। सबसे पहले स्प्रे कर लेंगे सारे हेयर को, नीचे की साइड ले जाएंगे। ये हेयर निकल रहा था तो यहाँ पर यूपिन लगाई, नीचे की साइड लेके गया, एक यूपिन से इस तरह से लॉक कर दिया, क्योंकि हमारे हेयर जो है बहुत कम है, बहुत पतले वाले तो फिक्स हो जाएंगे। स्प्रे कर दिया, सारी यूपिन रिमूव कर लेंगे तो हमारी हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइलिंग पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट न्यू हेयर स्टाइलिंग वीडियो में।